सोच रही है कि परमात्मा मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो कि मैंने अपने जीवन में पुत्र का मुख नहीं देखा। और तब तक महाराज उग्रसेन का पदार्पण हुआ, महाराज अपनी रानी के पास में घुटनों को टेक करके बैठ गए। महारानी सर लिया, महाराज की गोदी में ढुलका दिया और महारानी के लड्डों से खेलने लगे। जब गरम गरम आंसू महाराज की जंघों पे पड़े, एकदम से सर उठाया और आंख में आंख डाल के कहने लगे, पवन रेखा तुम रो रही हो? कहने लगी, मैं रो रही हूं। क्यों? तो आज महारानी पवन रेखा क्या बोली है मनोज? महाराज कहने लगे, गोरी चार घोड़ वाला रथ है, रथ को लेके तुम चली जा।